उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में साइबर ठगों ने अब ठगी के नए नए तरीके निकाल लिए हैं। यह कहा जाए तो डाल डाल में पात पात, तो यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा ही एक मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है, जहां एक युवती ने 80 साल के बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर 2,20,000 रुपए का चूना लगा दिया। कानपुर कमिश्नरेट के नवाबगंज के रहने वाले बुजुर्ग दयाशंकर पांडे पुलिस को रो रोकर अपनी आपबीती सुनाते हैं। बुजुर्ग ने बताया कि उनके पास 25 जून रात लगभग 8:30 और 9 बजे के आसपास एक युवती की वीडियो कॉल आई, जिसमें नंबर तो अननोन था मगर तस्वीर में एक लड़की बनी हुई थी। रात के अंधेरे में चश्मा न मिलने की वजह से वह तस्वीर को पूरी तरीके से देख नहीं पाए और वीडियो कॉल को उठा लिया। जैसे ही वीडियो कॉल उठा, दूसरी तरफ से एक युवती ने बात के साथ साथ एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में आ गई। जब तक कि वह सब कुछ समझ पाती, उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया और पूरी रात वह इस मंजर को भूल नहीं पाए। बताया कि वीडियो कॉल उठाते ही उसने बिना कपड़े के अपने साथ साथ उनका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोप है कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर अब तक 2,20,000 रुपए की वसूली हो चुकी है। मामले में डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि पीड़ित ने नवाबगंज थाने में तहरीर दी है, जिसमें ठगों पर 2,20,000 रुपए की ठगी की बात कही है। तहरीर के आधार पर नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की जा रही है।